ठीक है दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज का जो ऑनर है दैट मतलब सपोज करो ए जो है ए इज द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी एक्स वाई एंड जेड तीनों का ऑनर एक्स ही है सॉरी ए ही है तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज हैं ये एक्स वाई एंड जेड आर द प्रॉपर्टीज और ए इन सबका ऑनर है दूसरी सिचुएशन क्या मतलब दूसरा पार्ट है इस सेक्शन का दैट इज मोडगेज डैम डैम का मतलब है दो प्रॉपर्टीज टू वन पर्सन ठीक है कमिंग टू नेक्स्ट पेज तो इसका मतलब ए ने मोर्डगेज कर दी है, तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज टू बी एक्स वाई एंड जेड टू बी मोर्डगेज कर दी अब थर्ड वाली बात क्या बोल रही है दैट देन सेल्स वन और मोर

The buyer is entitled to have the mortgage debt satisfied from the property, not sold to him. ye aap लिख lo satisfied from the property, not sold to him. इसका मतलब कि ये जो C है, कौन है बायर हमारा? C is the buyer. एंड जो सी है ही में गेट द उसका डेट गेट डेट सेटिस्फाइड फ्रॉम प्रॉपर्टी वाई एंड जेड ठीक है इसका डायरेक्ट मतलब ये हो रहा है कि सी इज एंटाइटल्ड टू सेव प्रॉपर्टी एक्स उसको जो खुद को जो प्रॉपर्टी बेची गई है ना वो प्रॉपर्टी को वो सेव कर सकता है इस प्रॉपर्टी को सेव कर सकता है ठीक है सी इज इंटाइटल टू प्रोटेक्ट हिज परचेज प्रॉपर्टी फ्रॉम सेटिस्फाइंग द डेट ऑफ ए आउट ऑफ प्रॉपर्टी ये जो मोर्डेज डेट है ये डेट किसकी है ए की मोर्डेज डेट है ए की डेट एक्स में से सेटिस्फाई ना हो ये सी कर सकता है क्योंकि सी ने खरीदी थी एक्स को समझ आ रहा है यहां तक yes, sir. Uhum. अब जो इसका फिफ्थ पार्ट है सेक्शन का वो क्या बात कर रहा है फिफ्थ पार्ट सो फार सेम एक्सचेंज बट नॉट सो एज टू प्रेजुडिस बट दिस विल नॉट जो हमने ऊपर करा दिस होल विल नॉट प्रेजुडिस अफेक्ट नहीं करेगा किस चीज को अफेक्ट नहीं करेगा द राइट्स ऑफ ए बी पर्सन क्लेमिंग अंडर है बोन ऑफ आई डी खरीदी अदर पर्सन में, में कौन आ रहा है अदर पर्सन फॉर कंसीडरेशन अक्वाइड एन इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज इसका क्या मतलब हो जाएगा फिफ्थ वाले पार्ट का कमिंग टू नेक्स्ट पेज फोर पॉइंट नंबर फिफ्थ ऑन सपोज करो एक की जो डेट है दैट इज हायर एंड कुड नॉट बी सेटिस्फाइड इवन आफ्टर सेलिंग प्रॉपर्टी वाई एंड जेड ठीक है वाई एंड जेड बेचने के बाद भी एक ही जो डेट है जो मॉडगेज करी थी उसने प्रॉपर्टी बी को वो डेट इतनी है कि उसकी प्रॉपर्टी उसकी डेट सेटिस्फाई नहीं हो पाई ठीक है तो फिर एक्स प्रॉपर्टी से भी उसकी डेट हो जाएगी हिज सेज डेट जो रिमेनिंग बच गई वो एक्स प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई होगी यहां पर सी के पास में राइट नहीं होगा कि प्रोटेक्ट कर ले सी के पास बस खाली अरेंजमेंट का राइट है मार्शलिंग इज जस्ट अरेंजमेंट कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं मिलता तो बी क्या करेगा बी सबसे पहले अपनी मोर्गेज डेट सेटिस्फाई करेगा वाई एंड जेड प्रॉपर्टी से फिर उसके बाद अगर इससे सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर सेटिस्फाई करेगा बी ही सेटिस्फाई करेगा एक्स प्रॉपर्टी से अपनी डेट ठीक है जबकि एक्स प्रॉपर्टी तो सेल हो चुकी है सोल्ड टू सी है ना बी फिर भी अपनी डेट इस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई करेगा और फिर जो ये सी का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है सी अपना अप शेयर बाद में ए से क्लेम कर लेगा बट पहले तो एक्स प्रॉपर्टी से बी जो है अपनी डेट सेटिस्फाई कर लेगाविंग द बोर्ड सर बी जो है वो कैसे डेप्थ सेटिस्फाई करेगा एक्स प्रॉपर्टी से वो तो ऑलरेडी सोल्ड आउट है उसको फिर से सेल करेगा कि कैसे करेगा मतलब हाँ फिर से सेल करेगा वो किसी थर्ड को सेल करेगा सी को तो ऑलरेडी सोल्ड आउट है किसी थर्ड को सेल करेगा या फिर उससे सी से अपनी डेट ले लेगा ले अगर सी देता है तो और नहीं तो लेटर मतलब अगर सी ने दे दिया तो लेटर ऑन सी जो है ऐसे क्लेम कर ले देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सपोज सपोज करो स्पेक्स है है मेरा इट कॉस्ट ना जब भी हम करते हैं तो प्रॉपर्टी को कम ही रेट के अंदर देते हैं ठीक है और अलोंग विद दिस वॉच मैंने ये दोनों चीजें उठाई स्पेक्स और वॉच दोनों उठाई और शिवांगी को मोर्डगेज कर दिया ठीक है लेटर ऑन आई सोल्ड दिस स्पेक्स टू स्तुति है ना इन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मैंने स्तुति को बेच दिया और शिवांगी को जो मोडगेज करा था वो पांच हजार में करा था दोनों चीजों का ठीक है अभी जब शिवांगी को अपनी डेट सेटिस्फाई करना रहेगी तो स्तुति के पास में मार्शलिंग का राइट है सिंपल मार्शलिंग का सिर्फ इतना सा राइट है कि वो अरेंज कर देगी दोनों चीजों के कौन सी प्रॉपर्टी पहले सेल लोगी तो स्तुति बिल्स है कि पहले वॉच बेच लो अगर इस वॉच के अंदर से तुम्हारा डेट सेटिस्फाई हो जाता है तो वेल एंड गुड और अगर नहीं होता तो फिर इस भी बेच लेना और अपना डेट सेटिस्फाई कर लेना बस इतना सा राइट है मार्शलिंग का एंड नथिंग एल्स ठीक है अरेंजमेंट का कि कैसे प्रॉपर्टीज आप अरेंज करोगे सिंपल अब अगर स्पेक्स बेचने के बाद में प्रॉपर्टी का जो मतलब डेट है वो सेटिस्फाई हो गया स्पेक्स भी बेच दिया अब ये स्पेक्स तो ऑलरेडी स्तुति के पास चला गया था बिक चुका था अब स्पेक्स की कीमत और भी कम हो गई तो जो चीजें जो अमाउंट बच गया वो अमाउंट स्तुति बाद में मुझसे क्लेम कर लेगी नहीं है देखो पहले वॉच सेल हुई सपोज करो तो वॉच सेल हुई सिर्फ टू थाउजेंड रुपीज की थ्री थाउजेंड बच गया अभी थ्री थाउजेंड सेल करने के लिए उसने पूरा का पूरा स्पेक्स जो है वो भी बेच दिया स्पेक्स पच्चीस सौ रुपए का बिक गया ठीक है स्टिल उसके पांच सौ रुपए बचे तो शिवांगी का तो क्लेम अलग है स्तुति मुझसे अलग से पच्चीस सौ रुपए क्लेम करेगी वो प्रॉपर्टी वापस नहीं मांगेगी इंडिपेंडेंटली वो पच्चीस सौ रुपए क्लेम कर लेगी ठीक है लिखो अब इसमें केस लो है इट्स ऑल्ड रिच वर्सेस कूपर 1903 प्रीवी काउंसिल का केस है इसमें ऑथर जो है हमारे दैट इज लॉर्ड एल्डन अब देखो मार्शलिंग अगर नहीं होता तो क्या होता इफ देर नो मार्शलिंग वट वुड है प्रॉपर्टी रखी थी बी के पास में पहले ठीक है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी एक्स वाई एंड जेड बी के पास रखी थी मोर्डगेज फिर उसके बाद में ए ने सी को मोर्डगेज दी एक्स प्रॉपर्टी ठीक है तो अब बी क्या करता B पहले सेटिस्फाई करता उसकी डेट बी वुड तो बची जाती अनफाइड बच जाती ये फ्री फ्रॉम हो जाती, तो ये प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती दिस प्रॉपर्टी वुड गो टू ए है ना जबकि होना क्या चाहिए मार्शलिंग है तो क्या है पहले y एंड z में से कर लो सेटिस्फाई और फिर उसके बाद में जो x बच गई उसमें से करना तो यहाँ पर अगर y एंड z से पूरी की पूरी डेट जाती पूरी अगर इसमें से सेटिस्फाई हो जाती तो x के ऊपर c का क्लेम बच जाता है ना बट यहाँ पर c को डिफ्रॉड कर दिया a एंड मिलकर अगर मार्शलिंग नहीं होती तो ए एंड बी दोनों मिलकर सी को डिफ्रॉड कर देते जेड प्रॉपर्टी के अंदर तो एक्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना C का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो सी जेड प्रॉपर्टी में से कुछ भी क्लेम नहीं कर पाता ठीक है तो इस तरह से ए और बी मतलब कि जो प्रायर मोडगेजर है ट्रायर मोडगेजी और द पर्सन मोडगेजर दोनों मिलकर सब्सिक्वेंट मोडगेजी को डिफ्रॉड कर देते अगर मार्शलिंग नहीं होती तो अच्छा ठीक है अगर इसमें कोई केस लॉ पढ़ना हो 56 के अंदर तो ये केस लॉ पढ़ सकते हो आप That is MSJP Builder, Builders versus A. Ramadas, Ramadas Rao, 2010 Supreme Court. If you want to read, then you may.